أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. आप इनसे कहिए कि आओ मैं तुमको चीज़ें पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमाया है. वो चीज़ें ये हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, दूसरे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, इनसे बुरी तरह रहना हराम है, अपनी औलाद को इफलास के खौफ से कत्ल मत किया करो, हम इनको भी और तुमको दोनों को रिस्क देने वाले हम, तुम्हारा रिस्क मुकद्दर है, फिर क्यों कत्ल करते हैं. और जो काम बेहयाई के हैं, चाहे जाहिर हों चाहे अलानिया हों, पोशीदा उनके तरीके बच जाओ. और किसी जान को जिसको अल्लाह ने हुरमत वाली ठहराया है, ना कत्ल मत करो. ये तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया है ताकि तुम समझो. इन सब का तुमको अल्लाह ने ताकि भी हुक्म दिया ताकि तुम अहकाम को समझो और अमल करो. तीन आयतें हैं, 151, 152 और 153. तो हर जगह अल्लाह ताला वस्साकुम, तुमको ताकीद कर रहा है. अल्लाह ताला तीनों आयतों का इख्तिताम क्या हो रहा है? ताकीद पर हो रहा है. तो पहली आयत इख्तिताम ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, अल्लाह ने तुम्हारी इस बात की ताकीद की है ताकि तुम अहकाम को समझो और अमल करो. तो कल इसमें से एक बात आई थी, इसमें 10 अहकाम दिए गए हैं. तो 10 अहकाम वही हैं जो तौरात के 10 अहकाम थे, 10 कमांडमेंट्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट. तौरात को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट इंजील को. ओल्ड टेस्टामेंट के जो 10 अहकाम थे, 10 कमांडमेंट्स, उसके पूरा खुलासा यहाँ आ गया है. तो सबसे पहली बात शिर्क, इसके बाद दूसरा वालिदैन के साथ जो है अच्छा सलूक करो, वबिलवालिदैन एहसाना, वालिदैन से अच्छा मामला बर्ताव करो. मकसद तो ये है कि वालिदैन की नाफरमानी मत करो, इनको इज़ा मत पहुँचाओ. तो हकीमान अंदाज से बयान किया कि वाले अच्छा सलूक करो, वालिदैन के हक में इतना काफ़ी नहीं कि इनकी नाफरमानी मत करो बल्कि इनके साथ अच्छा सलूक करो. तो दूसरी जगह फरमाया वक्फिस जना लहुमा जना जुल्ली, इनके सामने अपने बाजू को झुका के रखो, अकड़ को मत रो. बहुत अकड़ते जी शुक्र हमारा अपने बाजू झुका के रखो, यानी वालिदैन आजीज़ी इस पर था. इस आयत में वालिदैन को इज़ा पहुँचाने, तकलीफ देने को शिर्क के बाद फिर नंबर पर गुनाह है. मालूम है शिर्क तो सबसे बड़ा गुनाह है जो माफ़ नहीं होने वाला है. उसके बाद दूसरा गुनाह वालिदैन के साथ नाफरमानी करना. सूरह हुकूकुल वालिदैन, ये आइन से हुकूक, हुकूक ने हुकूक यानी उनकी नाफरमानी करना, हक के माने काटना, उनकी बात को काटना, दूसरे नंबर पर है. वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला, और तुम्हारे रब ने इस बात का हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी बात नहीं की जाए. वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन अच्छा सलूक किया जाए. और ये फरमाया वाना शुक्र ली, मेरा शुक्र गुजार बन और अपने वालिदैन के शुक्र गुजार बन. अरे इतना छोटा था, देख रहे हैं बच्चा पैदा होता है सब तकलीफें कौन उठाते हैं, बच्चा बड़ा होकर जो है चलने फिरने सब, उसके बाद चलने फिरने के बड़ा हुआ जैसे माँ बाप हमारे शुक्र मांगे जी, तो खाली उस फिक्र लगी उनको, यहाँ देखो कितना बड़ा होता कि नहीं, 10 साल का होता कि नहीं, 20 साल, 40 साल का होता कि नहीं, वो फिक्र लग रही थी. नहीं देखो तो ये मोहब्बत कौन डाले, अल्लाह ही डाला. तो इसलिए वालिदैन के साथ जो है वला तकुल्लफा उफ़िन, यहाँ शायद नहीं लिखी उन्होंने कुरान में लफ्ज़ है वला तकुल्लहुमा उफ़िन, उफ़ भी मत बोलो. ये देखो उफ़ का लफ्ज़ कुरान में है, अरबी का लफ्ज़ है उफ़, यानी इतनी बात ही मत करो तुम. मैं कितना उनका अदब एहतराम शरीयत में रखा है, देखो इंतहाई दर्जे की बात है. वालिदैन से उफ़ भी मत कहा करो. तो सब कब तक है वो ये भी और हर चीज़ के लिए इस्लाम में इतज़ाल है. देखो इतना है जबकि वो शरीयत के दायरे के अंदर है, कोई बात शरीयत के खिलाफ बोलते हैं उसकी बात नहीं मानी जाएगी. शरीयत के दायरे है बेटा, नहीं बात शादी में सब करना पड़ता है बेटे, चलो ये लगा कर वो कर, यूँ कर त्यों करो,
फिक्र नहीं भाव, ऐसा करना पड़ता है शादी जरा सब होता है, शरीर के देखते बेटे नहीं आता कर बोल और ढीला करते इसे बेटे सब सुनकर शुरू करता हूँ। अम्मा बोली नहीं तो बाबा बोले हमारे ऐसा करो, जब अल्लाह का हुक्म है तो उस वक्त माँ बाप को हुक्म नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये हमारे हमेशा जहन में होना चाहिए। उनका अपनी जगह मकाम है, कौन दिया अल्लाह दिए से हो कहाँ तक बोले कि उफ तक मत तो बोलो, लेकिन जब वो शरीयत के खिलाफ कोई बात उनकी आ जाएगी बस उनका रकम वहाँ रख दिया जाएगा। ये बात है सैयद में अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल से उन्होंने पूछा कौन सा अमल अल्लाह को बहुत प्यारा है, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, कहा कि सलातुल वक्त ना वक्त नमाज पढ़ना, सुम्मा ये कौन सा है बिर अल्लाह से बड़े से अच्छा सलूक करना, नमाज के बाद दूसरा अमल क्या है अच्छा सलूक करना, सुम्मा ये उनका कल जिहाद फी सबीलिल्लाह। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुर्रा से रिवायत है एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तो वो जो है वो लंबी हदीस है, आप मेंबर पर चढ़े और कहा कि रगीबान फरजुल आदमी ज़िले लुखार हो जाए, फिर और चढ़े वो आदमी ज़िले लुखार हो जाए और चढ़े और ज़िले लुखार हो जाए, फिर अल्लाह के रसूल साहब बोल रहे थे आप क्या बात किसी ज़िले लुखार बोल रहे थे, ज़िले लुखार हो गया जिसने अपने वालिदैन में से दो को या एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और फिर जन्नत का मुस्तक नहीं बना। जिब्रील आए, जिब्रील ने कहा वो आदमी ज़िले बुखार हो जाए, एक हदीस में ये आता है कि जिब्रील सलाम कह रहे थे ये अल्लाह के रसूल आमीन कह रहे थे, इसी हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल कह रहे थे जिब्रील आमीन कह रहे थे, तो रिवायत करने में ऐसा फ़र्क हुआ है हाँ कि अल्लाह के रसूल ज़िले बुखार हो जाए जिसने बुढ़ापे की हालत में अपने वालिदैन में से दो में से एक को पाया और फिर उनकी खिदमत के जन्नत का मुस्तक ना बना, यानी इतना बड़ा दर्जा है वालिदैन का। तो अगर ये सब हमारे जहन में रहेगा तो वालदेन के साथ जो है जो इख्तलाफात हो रहे हैं बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं वो होते रहते हैं सब, कौन बच्चा देखता नहीं साहब हमारी हालत बहुत वो है क्या देखो ऐसे हैं वो हैं मतलब कौन बच्चे पूछते हैं सब अपने अपने ही हैं अपने भी अच्छा है क्या दर्जा दिया पुवेस करनी मालूम खैरुत्ताबीन में से कई क्यों नहीं अल्लाह की खिदमत में, माँ की खिदमत में थे मालूम अल्लाह के रसूल की क्या मोहब्बत थी मालूम है, अल्लाह के रसूल का दांत शहीद हो गया था मोहब्बत रसूल तो वो थी उनके अंदर मालूम नहीं कौन सा दांत होगा मेरे दांत लेके क्या करने एक निकाले ये नहीं होगा पूरे दांत निकाल दो तो कर सकते क्या बोलो। अल्लाह के रसूल बोलते हैं कि वहाँ करण में एक दीवाना रहता है वेस उसे जा अब तुम्हारे नजर कह रहे तुम जाके उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करने के लिए कहो, वो अब तो अल्लाह के रसूल हैं वे उस करी कि जाकर दुआ करो उम्मत के लिए, कौन देख रहे हैं वहाँ से कौन है कौन है वो कौन से कबीले आने वाले हैं काफिले आने वाले ये करण का कोई काफिला है क्या इसमें वो है क्या एक दीवाना है कहते इन्हें वेस करना नहीं नहीं बाद में अचानक पकड़ लगे बेटा मिल गया वो तो नहीं अल्लाह दीन की खिदमत कितना बड़ा दर्जा है देख रहे हैं आप ए छोड़ वाले आ जाए मेरे पास कर बोल सकते अलग नहीं बोले वाले हिम्मत करो करो बुढ़ापे के ज़माने में वालदिन की खिदमत से जन्नत का मिलना यकीनी है। बड़ा महरूम वो शख्स है जो जिसने इतनी सस्ती जन्नत को हाथ से खो दिया, सस्ती इसलिए कि वालदिन जो बच्चा थोड़ा कराते हुए बच्चा हमारा करते जी काम देखते लो बच्चा बहुत अच्छा है सब बच्चा थोड़ा कराते हुए खुश हो जाता हूँ थोड़ी बच्चे पूछते रहा पूछते नहीं बच्चे आपको देखते हैं पूछते हैं करते हैं लोग तो वालदैन भी जो है ज़बरदस्ती नहीं करते बच्चों सख्ती नहीं करते हैं वो अलग हो सकते हैं कोई वालदैन कर रहे लेकिन आम तौर पर जो है थोड़ी खिदमत करते खुश हो जाते हैं थोड़ी खिदमत से खुश हो जाते हैं। इनका खुश रखना किसी बड़े मेहनत का मोहताज नहीं है, बुढ़ापे की कैद इसलिए कि जवान खुद अपना अपना कर लेते हैं बुढ़ापे में उनकी मुश्किल आती ना तो इसलिए जो है बुढ़ापे में खिदमत करना बहुत ज़रूरी है वालदैन। तीसरा दस अहकाम में तीसरा हुक्म अपनी औलाद को कत्ल करना, वो कत्ल औलाद है और मुनासिबत ये कि पहले माँ बाप का हक बयान हुआ था माँ बाप के ऊपर पहले माँ बाप का हक बयान हुआ था माँ बाप क्या करते थे वहाँ बच्चा पैदा होते लड़की पैदा होती कत्ल कर डालते जिंदा दरगोर करते थे तो इसलिए जो है उसके बाद ये हुक्म अल्लाह ने दिया
औलाद के साथ वसूली का बदतरीन मामला था जो लोग जहालत में करते थे। क्या पैदा हुई छुकरी से, क्या करना, अभी भी लोग ऐसे छोड़ और छुकरी पैदा हुई जी और ऐसे नाराज, ऐसे जो है चेहरे सुकड़े हुए रहते हैं लड़की पैदा होने के बाद। अरे ये तो जो है जन्नत की जो है तुम्हारे जन्नत दिलाने वाली है भाई, लड़की जो है लड़कियों की जो खिदमत करो, उनको पढ़ाओ। अलग अलग बोलते हैं कि जो है जिसके पास तीन लड़कियां हैं उसके हैं या किसी के भाई के इसके उसके लिए को या सरप्रस्त बना लड़कियों का उनकी जो है उनको जवान किया बड़ा किया उनको निकाह करके दे दिया तो जन्नत तुम तीन अलग अलग दो, अच्छा दो के लिए भी जन्नत है। अगर एक के लिए पूछते तो अलग अलग बोलते थे सही बोला, अगर आप एक के लिए पूछा तो वो एक के लिए बोलते। जन्नत की तुम्हारे जो है वो जरिया है, तुम उसको ऐसा कर रहे हो क्या है, ए छुपरी पैदा पट्टी पैदा नाराज बहुत गलत। वो लोग करें तो ये लोग भी कर रहे हैं लोग। इफलास के खौफ से आज भी वो जो है बच्चे ज्यादा पैदा, क्या करना, कहाँ से खाना, उन्होंने क्या खाना, तू कहाँ से खा रहा है तुझे कौन दे रहा है, मैं मेहनत करूँ, तू मेहनत कर रहा है, तुझे मेहनत करने की सलाहियत कौन दिया, हैंडी के पक पड़े क्या करता हो, नौकरी थी नौकरी कौन दिया, तुझे जैसा जरिया दिया अल्लाह ताला उसके भी जरिया पैदा किया। हदीस में आता है इन्नकुम तुरज़कून बिज़ुफ़ाइकुम, तुम्हारा रिज़्क तुम्हारे बच्चों के, इन्नमा तुनसरून व तुरज़कून बिज़ुफ़ाइकुम, तुम्हारे कमज़ोर लोगों के लिए अल्लाह तुमको रिज़्क दे रहा है, क्या समझे तुम लोग। तो जैसा वो लोग कर रहे थे यहाँ के लोग भी वही कर रहे थे, जो मॉडर्न ये है फैमिली प्लानिंग का जो है नज़रिया वही है कि बच्चे ज़्यादा पैदा कौन खिलाना, पॉपुलेशन बढ़ेंगी और ख़ास मुसलमानों को काटने के लिए अंदरूनी है वो दुनिया के अंदर ही है वो फैमिली प्लानिंग करना, बच्चे ज़्यादा कौन पालना, ये हमारे दीन नज़र खिलाफ अल्लाह के जो है तज़व्वुजुल वलूद वलूद, तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से निकाह करो, उम्मत की कसरत मैं फ़ख्र करूँगा। क्या बच्चे कम नहीं करना, बच्चे ज़्यादा पैदा करना है, बोलो क्या डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जो ऐसे बोल रहा हूँ क्या करूँ, पैदा करके जंगल में छोड़ना नहीं है, उनकी तरबियत भी करना है। दीनदार तुम्हारा एक बच्चा तुम्हारे लिए दुआ, एक आदमी जो है आलम मर गया है, आलम बरज़ख के अंदर है, अचानक उसको दर्जा पड़ गया, अल्लाह ये क्या मैं ये आलम में हूँ, ठीक है सवाल, तेरा बच्चा तेरे लिए दुआ कर रहा है इसलिए तेरा दर्जा बढ़ गया, कौन सा बच्चा दुआ कर रहा है किसे मालूम, चार बच्चे रहे भाई इसमें, एक ले रहा तो करते कि नहीं जी, चार जने, चार जने कौन थी भी क्या पेरी। तो बच्चों की औलाद की कसरत जो है इस्लाम में मुआनत नहीं की गई है बल्कि इसको पसंदीदा करार दिया गया है। उम्मत का खुश नसीब आदमी हो जिसकी बीवियाँ और बच्चे ज़्यादा होंगे हमारा, ये गलत तस्वीर जो आ गया है सब अंग्रेज से आ गया है, यूरोपियन कंट्री से आ गया है, एक बीवी रखने का 10 नाजायज साल रखने का, ये देखो बीवी तो एक रखने का कानूनी बीवी एक है हज़ारों से ताल्लुक आते, ये उनका गलत असर है, हमारे पास किसी को निगाह उठा के देखना भी हराम है, हमारे पास बीवी के अलावा किसी पर निगाह उठा के देखना हराम है, मालूम है। जाहिलियत के ज़माने में संगदिली चली थी कि जिस घर में लड़की पैदा होती थी उसको आर समझता था, किसी को दामाद बना लेना, बाज़ औक़ात इस खौफ से कि औलाद की ज़रूरत ज़िंदगी खाना पीना कहाँ से लूँगा उसको कत्ल कर देते, जिसके सबब उस बदतरीन जुर्म के मुर्तकिब होते, बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे। अल्लाह ने बताया कि जो है तुम नहीं खिलाते हम खिलाते, तुमको ज़रिया बनाए और क्या लगा बेटे, तुम खुद अपने राजे को खाने में भी इससे मोहताज हो, वो देता है तो तुम बच्चों को देते हो, अगर वो ना दे तुम क्या, तुम कहाँ दोगे, क्या तुम अनाज पैदा कर रहे हो, तो कौन पैदा कर रहा है, अल्लाह ही पैदा कर रहा है, जो चीज़ें पैदा हो रही हैं इंसान पैदा कर रहा है क्या, अल्लाह ही पैदा कर रहा है, जरा सोचो ये सब काम कादरे मुतलक की हिकमत और उसके करिश्मे हैं। माँ बाप का तस्वर गलत है कि हम बच्चों को राजी हैं, बल्कि खजाने गैब से अल्लाह ताला ही दे रहा है, तुमको जैसा दे रहा है वैसा उनको भी देने वाला है, तुम कि तुम रिस्क इसलिए दिया था कि तुम बच्चों को पहुँचाओ, इसलिए हदीस में इन्नमा तुम सरूना वो तुरज़कून बिज़ुफ़ाइकुम, तुम्हें तुम्हारे कमज़ोर लोगों के, तो पहला बच्चा नहीं है कोई छोटा भाई है ऐसा कमज़ोर भाई है वो उस पर डिपेंडेंट है या कोई और कमज़ोर लोग हैं तुम्हारे, तो उनकी वजह से तुमको रिस्क दिया जाता है। नन रुज़ुकुम वइयाकुम,
हम तुमको रिस्क देते हैं, उनको भी हम रिस्क देने वाले, याद रखो। औलाद की तालीमी अखलाक की तरबियत न करना और बेदीनी के साथ छोड़ना, वो भी एक तरह का कत्ल है। देखो ये पॉइंट लिखा है, औलाद पैदा भी अच्छा खिलाता पिलाता जी और छोड़ दिया उन्हें, क्या होना उसका, तो वो भी कत्ल है। इसको वो अनफुसुकुम अहलिकुम नार, अपने आप को अपने अहल को दोज़क की आग से बचाओ। कैसा बचाते हैं दोज़क से? कौन बचता है? ईमान वाला बचने वाला, उसको ईमानदार बनाओ। सूरह तहरीम में आयत आती है, कू अनफुसुकुम अहलिकुम नार, अपने आप को बचाओ दोज़क की आग से और अपने अहल वियाल को बचाओ। क्या नहीं, बच्चे वहाँ से खाने पीने सब आनंद आनंद देता सब उसको दीनी तरबियत ही नहीं किया उन्हें। एक बार मैं मुसलमान है, एक अल्लाह को मानना है हमें, उन्हें जो है अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है थोड़ा सा, 7 साल के बाद नमाज की हुक्म दो उसको, 10 साल के बाद जैसे मारो नमाज नहीं पढ़ा, देखो सलाम मारते हो हैरान रह जाएंगे, कि नहीं हुक्म की अहमियत ऐसी है, मार मारो क्रेडिट तोड़ना नहीं है वालों, समझ करो लाओ। तो अखलाक की तरबियत न करना, दीनी तरबियत न करना, क्या करना है वो, उसको भी जिंदा मारे सर कैसे, वो बड़ा बड़ा इतना बड़ा रोज़े भी नहीं रखता, नमाज भी नहीं पढ़ता, एकदम बड़ा बन गया, चलो कुछ भी नहीं, दिन से बेगाना है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये भी एक तरह का तो लिखे, औलाद की तालीमी अखलाक की तरबियत न करना, बेदीनी की से आज़ाद छोड़ देना, ये भी एक तरह का कत्ल औलाद है। क्या करना है बच्चा ऐसा हो, कल तुम्हारे साथ जो है बुरा सलूक करेगा, वहाँ से क्या सा बच्चे ऐसा हैं, बच्चे देखते नहीं, फला नहीं वो नहीं, ये सब बातें करते बढ़ता भाई, सिखाए पढ़ाए सब करे, अब यूँ कर रहा था दीनी तालीम तो दिए तुझे, अल्लाह का हक मान भाई, उसके बाद मेरा हक मान नहीं दिए तुझे। तो इंशाल्लाह और भी जो अहकाम हैं, 10 अहकाम में से 3 पढ़े गए हैं, वो तफसील से लिखा है इन्होंने, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा रास्ता का तो क्या, सीधे तरीके चलना दुनिया के अंदर सही तरीके से चलने को सीधा रास्ता कहा गया, तुम्हारा अमल, तुम्हारा अकीदा दुरुस्त हो, तुम्हारा अमल दुरुस्त हो, इसी को सीधा रास्ता कहा गया। अल्लाह ताला हम कुरान पढ़ने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.